हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम पंक के बारे में, जो कि AEW से निकाले जा चुके हैं, बट उनकी एक वीडियो सामने आई है जो कि समोआ जो के खिलाफ रिसेंट में हुए उनके मैच ऑल इन की है। समोआ जो सीएम पंक पे कंट्रोल बनाए हुए हैं और सीएम पंक अनाउंस टेबल के नीचे हैं, जहां वो अपने हेड पे कुछ नुकीला मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, शायद वो ब्लेड वगैरह हो सकता है। उससे उन्होंने कई बार उस नुकीली चीज़ से खुद को हिट करा छुपके, और जैसे ही उनके ब्लड आने लगा वो बाहर निकल के आ गए। अब देखिए, ये वीडियो किसी फैन वगैरह ने अपने मोबाइल में कैप्चर कर ली है, उसमें ये दिखाई दे रहा है। ये कुछ नया है, पहले कहा जाता था कि रेसलर ब्लड कैप्सूल वगैरह यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे तो जान के ब्लड निकाला जा रहा है जो कि रियल ब्लड ही है। बट वो बात अलग है कि वो लड़के नहीं, अपने आप निकाला गया है। बट इसके लिए भी जिगरा चाहिए, एक लिमिटेड टाइम में वो करना है। ऐसा नहीं है कि आप खुद के लगने के डर से ऐसा ना करो। अब यार, हमारी जरा सी उंगली कट जाए तो कितना लगती है। और आप देखिए, इंटेंशनली सीएम पंक ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जिस कंपनी के लिए सीएम पंक ने खून बहाया, उसी ने उनको भगा दिया। अब बात कर लेते हैं PWI 500 के बारे में। अब आप लोग कहेंगे भाई ये क्या होता है, तो आप लोगों को बता दूं, PWI हर साल 500 रेसलर की एक लिस्ट निकालती है जो कि टॉप होते हैं, टॉप 500 सुपरस्टार की। हालांकि बात हमेशा टॉप 25, टॉप 20 या मोस्टली टॉप 10 के बारे में ही होती है, और हम यहाँ भी बात करेंगे केवल टॉप 10 सुपरस्टार के बारे में। टॉप 10 में जो नाम सामने आए हैं वो थोड़े शॉकिंग हैं। फर्स्ट नंबर पे सेथ रॉलिंस, सेकंड नंबर पे रोमन रेंस, थर्ड नंबर पे जॉन मॉक्सली, फोर्थ नंबर पे गंथर, फिफ्थ नंबर पे हीजो डेल विकिंगो, सिक्स नंबर पे MJF, सेवंथ नंबर पे काजुचिका ओकाडा, एट्थ नंबर पे ऑरेंज कैसिडी, नाइन्थ नंबर पे जोश अलेक्जेंडर और टेंथ नंबर पे कॉडी रूड जैसे सुपरस्टार के नाम शामिल हैं। अब अगर आप गौर करें तो टॉप 3 में वो तीनों सुपरस्टार हैं जो कि फॉर्मर शील्ड के मेंबर रह चुके हैं, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात है। इसके बाद सेथ रॉलिंस ने एक पोस्ट भी करी जिसमें ये फोटो आप देख सकते हैं, इसमें शील्ड का जो सिग्नेचर स्टेप था, तीनों मेंबर्स हाथ वगैरह मिलाते थे ना, वही वाला फोटो यहाँ सेथ रॉलिंस ने पोस्ट कराया है। वाकई अपने आप में अच्छी चीज़ है, शील्ड के तीनों मेंबर आज रेसलिंग इंडस्ट्री में डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में। जैसा कि रिसेंट में WWE ने इंडिया में एक इवेंट करा था जहां काफ़ी सारे सुपरस्टार आए थे, कुछ सुपरस्टार ने रिएक्ट भी करा, जिसमें नथालिया, रेहा रिप्लाई जैसे नाम शामिल हैं, इंडिया का इवेंट कैसा रहा वगैरह वगैरह। बट अब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस ने भी इंडिया के क्राउड को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा, देखिए, भारत जाना और वापस आना जिसके लिए मैं 50 घंटे हवा में था, उनका मतलब ट्रैवल से था, ये बहुत लंबी जर्नी थी और उसके बाद हम 24 घंटे से भी कम टाइम के लिए ज़मीन पर थे। उनका कहने का मतलब ये था कि वो 50 घंटे का आना जाना का ट्रैवल करा और इंडिया में हम 24 घंटे से भी कम टाइम के लिए रुके, इसलिए इंडिया के शो के लिए काफ़ी लंबी जर्नी करनी पड़ी। सबने मुझसे पूछा ये कैसा था, तो मैंने कहा अगर क्राउड इलेक्ट्रिफाइंग नहीं है जहां मैं गया हूं तो मैं वहां वापस जाने पर विचार भी नहीं करूंगा। मतलब उनका ये था कि अगर वहां का क्राउड इलेक्ट्रिफाइंग नहीं होता जहां मैं जाता हूं, तो मैं वहां दोबारा जाने के बारे में सोचता भी नहीं हूं। ऊपर से तब तो बिल्कुल भी नहीं जब एक शो के लिए ट्रैवल स्केड्यूल ऐसा हो, बट उन्होंने तो इसको वर्थ इट बना दिया। उन्होंने कहा, काफ़ी इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था, मैं रिंग में था, वो मेरा थीम सॉन्ग गुनगुना रहे थे, जॉन सीना के चैंट्स लगा रहे थे, सीना की एंट्री हुई तो क्राउड बहुत ज़्यादा लाउड था, जिसके बारे में बात करते ही गूज़बम्प आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरे रेसलिंग करियर में अब तक का सबसे लाउडेस्ट क्राउड था, मुझे ऐसा लगा जैसे कि 75,000 लोगों के सामने मैं परफॉर्म कर रहा हूं। उन्होंने जॉन सीना की टी शर्ट के लिए जो खींचातानी मचाई उसे भी अनबिलीवेबल बताया। अब आप सोचो, 5,000 से 6,000 लोगों को सेथ रॉलिंस ने 75,000 लोगों से भरी एरिना से कंपेयर कर लिया, इट मीन्स क्राउड बहुत जबरदस्त था। उम्मीद है जल्दी सेथ रॉलिंस हमें वापस से इंडिया के किसी इवेंट में दिखाई देंगे। बात कर लेते हैं WWE के मर्जर के बारे में। इनके मर्जर को TKO का नाम दिया गया है, जिसमें UFC और WWE दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अब देखिए, पिछले काफ़ी टाइम से WWE का फोकस मर्जर पर ही था, इसके बाद काफ़ी कुछ चेंजेस भी हमें अब धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएंगे, लाइक टाइटल्स, स्टेजेस, कुछ UFC टच WWE में हमें दिखाई देगा। वहीं आपको बता दूं, विंस मैकमैन TKO ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन चुके हैं, इट मींस कि UFC और WWE दोनों पे कुछ हद तक विंस मैकमैन का कंट्रोल रहेगा। आपको यह भी याद दिला दूं कि रूमर्स इस तरह के हैं कि आने वाले टाइम में मेन रोस्टर और NXT से कुछ मेजर रिलीज भी हमें होती हुई दिखाई देंगी, मतलब कुछ ऐसे नाम रिलीज होंगे कंपनी से जो कि वाकई शॉकिंग होंगे। अब देखो, वापस से रिलीज शुरू होने वाली है, वो भी तब जब आपने नाया जैक्स को हायर करा है और आप मेजर रिलीज करने वाले हैं। खैर छोड़िए, अब देखिए, आज से आपको 1.5 साल पीछे लेके जाना चाहता हूं, जब विंस मैकमैन पे एक वुमेन ने एलिगेशन वगैरह लगाए थे, तो कुछ लोगों के कहने पे उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था और कंट्रोल ट्रिपल
बेंच पर आ गया था। रिजाइन इसलिए दिया था कि जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको विंस मैकमैन अपनी पोजीशन के थ्रू हार्म वगैरह ना कर पाए, इसलिए उन्होंने रिजाइन दे दिया था। सब कुछ ट्रिपल एच पर आ गया था। कुछ टाइम बाद ही विंस मैकमैन वापस आने की कोशिश करते रहे तो उनको आने नहीं दिया गया। अब देखिए, बड़ी कंपनी में ऐसा होता है, बेशक आप ओनर हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर यही सब डिसीजन लेते हैं कि आप वापस उस पोजीशन पर आओगे या नहीं आओगे, और वापस से विंस मैकमैन को वहां आने नहीं दिया गया और वहां वो वापस से बैठ नहीं पाए। अब सब कुछ ट्रिपल एच के कंट्रोल में आ गया था, तो मैंने उस टाइम भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि विंस मैकमैन ने ये एक तरह से चाल चली है, उन्होंने WWE को सोल्ड आउट कर दिया और उन्होंने जिसको सोल्ड आउट करा उसको उन्होंने ये बोला होगा कि भाई मुझे पावर चाहिए थोड़ी बहुत, तो उसी के बाद इस तरह की डील WWE ने साइन करी होगी। और ये मैंने लास्ट ईयर भी बोला था कि विंस मैकमैन ऐसी ही डील उसके साथ साइन करेंगे जो उनको थोड़ी बहुत पावर देगा। अब आप सोचिए, UFC और WWE के बीच का जो ग्रुप है TKO, जो कि दोनों को मैनेज करेगा, उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन विंस मैकमैन इस टाइम पोजीशन पर हैं। तो आप सोचिए, विंस मैकमैन काफ़ी कुछ UFC का डिसीजन भी लेंगे और काफ़ी कुछ WWE का डिसीजन भी लेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि मेजर रिलीज वगैरह अब हमें होती हुई दिखाई दे सकती हैं, फिर चाहे वो सुपरस्टार की हो, फिर चाहे वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ की हो, या XYZ जिनकी भी हो, होगा तो आगे चल के हमें पता चली जाएगा। भाई देखना ये होगा कि WWE किन्हें रिलीज़ करती है, किन्हें हायर करती है और क्या क्या चेंजेस आने वाले टाइम में करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। ट्राइबल चीफ भाई मिसिंग चल रहे हैं, सबको पता है। भाई आप सबको पता ही है कि UFC और WWE का मर्ज हुआ है, उसके बाद फैंस बड़े मजे ले रहे हैं। जैसा कि रोमन रेंस 3 साल से भी ज़्यादा टाइम से चैंपियन बने हुए हैं, वो बात अलग है कि वो अब दिखते नहीं हैं। वहीं इस मर्जर के बाद फैंस सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि आने वाले टाइम में रोमन रेंस UFC में दिखेंगे किसी क्रॉसओवर इवेंट में UFC और WWE के, तो वहाँ पे वो UFC चैंपियन के खिलाफ मैच लड़ेंगे, रेफरी को पड़ेगी, सोलो सिकोआ घुसेंगे 1-2-3 और रोमन रेंस UFC चैंपियन भी बन जाएंगे और फिर वो टाइटल भी उन पर आ जाएगा और फिर रोमन रेंस गायब हो जाएंगे। सच में यार, अब ये पीक पे है, या तो आप किसी और प्रोजेक्ट पे बिजी हो, बट ऐसा नहीं है, आप केवल और केवल छुट्टियां ही मना रहे हो, वो भी इतनी लंबी, या तो आप हॉलीवुड या किसी मूवी की शूटिंग वगैरह में बिजी हैं या किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि आप WWE को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन नहीं, आप पूरी तरह से घर पे हैं या कहीं बाहर छुट्टियां वगैरह मना रहे हैं, सबको पता है। अब आपका इस पे क्या मानना है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।